नमो हरियंता नमो सुद्धा नमो आयरियाण नमो वज्रयाण नमो लोये सर्वसाम नमो संसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम मोहन मंगलं कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्व धर्मानं जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य ज्ञानचंद जी सोवाणी जी के आध्यात्मिक पत्र पत्र नंबर 17 कलकत्ता से पत्र सोमगढ़ के मुंशी को लिखा गया है। उस जवाब में सोमगढ़ के मुंशी ने उनको वहाँ बुलाया है बार बार, फिर भी वो वहाँ सोमगढ़ जाते नहीं थे, मतलब जा नहीं सकते। जवाब में पत्र लिखा और स्पष्ट किया है कि मुझे ऐसी कोई भावना नहीं बानी है कि वर्तमान का पाप का उदय पलट करके पुण्य का उदय हो तो अनुकूल संयोग मिले। मैं ऐसी भावना बांधना नहीं चाहता हूँ। आपने तो साधर्मी प्रेम के कारण मुझे ऐसी सलाह दी है, लेकिन मैं मानता हूँ गुरुदेव की कृपा से मेरा आत्म कल्याण तो मेरे आत्मा से होगा। मेरे आत्म कल्याण अनुकूल संयोगों से या गुरु की कृपा से नहीं होगा, होता गुरु की कृपा से है। यह आधार बुद्धि की अपेक्षा से बात है, आधार मुझे किसी का नहीं लेना है। इसीलिए मैं तो सिर्फ चैतन्य की भावना बाहूंगा। भावना बहूंगा क्या, फिर पुरुषार्थ भी करना है? अकेली भावना बहे तो क्या, मुझे शांति चाहिए तो मैं आत्मा आश्रित ऐसी साधना करूं कि राग ही खत्म हो जाए तो ही मुझे शांति मिलेगी। मैं ऐसी भावना बहाना चाहता हूं। और सिर्फ भावना बांधता हूँ ऐसा नहीं, वो भावना को साकार करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना है वो भी उन्होंने बता दिया है। गुरुदेव के वचन का आधार लेकर के बताया है कि ज्ञानी को इच्छा की इच्छा नहीं, आत्मा के आधार के अलावा किसी और का आधार ज्ञानी को पसंद नहीं, और अंदर में सर्व प्रदेश में मैं सिर्फ चैतन्य चैतन्य और आनंद आनंद से मुक्त वस्तु हूँ। ऐसी दृष्टि एक बार हो जाओ, क्योंकि ज्ञानी ऐसा ही करते हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा कि शांति के लिए जो अनुकूल संयोगों की चाहना रखते हो चाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वरूप दृष्टि से ऑटोमेटिकली सुख समुद्र का दरिया एकदम सहज उमड़ पड़ेगा। पर के लिए विकल्प करना बेकार है, साधन जुटाना बेकार है, उसमें इस चैतन्य का कोई लाभ नहीं है। अरे मैं बिना किसी के भी अभी ही परिपूर्ण हूं, भगवान बनना है बात कहां है, मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा
एक बार ऐसी तीव्र भावना होनी चाहिए, अनुकूल संयोग मिले ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसी भावना होनी चाहिए। और कैसी भावना होना हो, तीव्र भावना होनी चाहिए, मैं बिना किसी के ही अभी ही परिपूर्ण हूं, एक बार ऐसी तीव्र भावना होनी चाहिए, ताकि सामान्य वर्त जो ध्रुव त्रिकाणी चैतन्य परमात्मा विराजमान है उसका ज्ञान होवे, सच्ची समझ आवे, ऐसा अवसर मिले। पर मैं सावधानी पना नहीं, नजर बाहर नहीं, सो में सावधानी पना होना चाहिए, जागृति हमारा अटेंशन ज्ञान का उपयोग सिर्फ चैतन्य मूर्ति के ऊपर होना चाहिए। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सोगाणी जी ने अनुभव किया होगा लिखते लिखते, कल यहाँ तक अपन आए थे, आगे की बात ऐसा लिखते लिखते सोगाणी जी अंदर में दृष्टि की होगी और आनंद मिला होगा, तो क्या लिखते हैं अब आगे की लाइन, अरे द्रव्य सामान्य कौन, ये परमात्मा उसकी महिमा करते हैं कि अरे द्रव्य सामान्य, एक द्रव्य अवस्था है और एक द्रव्य सामान्य, अवस्था आवे और जावे, परिणाम आवे और जावे, और सामान्य आवे जावे नहीं। सामान्य मतलब क्या, 3, 6, 9, 12, 15 में कौन सा सामान्य है, 3। ऐसे अवस्था सुख की हो या दुख की हो, विकल्प वाली हो या शून्यता हो, चिंता वाली हो बेफिक्री हो, दुख हो या सुख हो, ये अवस्था है, बढ़ती हो ओठ हो, ज्वार हो बाटा हो, धूप हो सर्दी हो, रात हो दिन हो, कैसे भी वो अवस्था है, ये मैं नहीं, मैं कॉमन, इन सब को जानने वाला कौन, 3, 6, 9, 12, 15 में कॉमन कौन, 3। मैं तो इन सब को जानने वाला सामान्य तत्व हूं, इसलिए अपने इधर नजर करने के बाद आनंद लेने के बाद क्या कहते हैं उसकी महिमा करते हैं, अरे द्रव्य सामान्य, द्रव्य में अवस्था आया तो अवस्था को नहीं देखते हैं, वेदन आया तो वेदन को नहीं देखा, आनंद के ऊपर नजर नहीं है, आनंद आया लेकिन नजर किधर है, आनंद के ऊपर नहीं। जिसको देखने से आनंद उमड़ पड़ा वो चैतन्य मूर्ति में स्वयं परमात्मा, उसका आनंद क्या, द्रव्य सामान्य। अब उसे बात करते हैं अनुभव के बाद, और ये द्रव्य सामान्य तेरे प्रताप से, तेरा बहुत बड़ा उपकार है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तेरी मेहरबानी हुई मेरे पर, परमात्मा प्रसन्न हुए मेरे पर, तूने मुझे दर्शन दिया, मैंने तुझे बहुत भटकाया आनंद काल से 84 के चक्कर में, तुझे देखे बिना बहुत दुख उठाया और तुमको बहुत दुख दिया, नरक में लेके गया, जानवर की गति में एक इंद्री में हर जगह बहुत भटका है, लेकिन फिर भी तू दया का सागर है, कौन वो नहीं, ये कि मैंने जब भी तेरे को देखा तूने दरवाजा खोल दिया, गलतियां तो माफ कर ली लेकिन आनंद का समुंदर आनंद से मुझे नला दिया, बोल तुझे क्या चाहिए, ज्ञान आनंद सुख शांति, बोलो तुम बोलो, मांगो क्या चाहिए, क्या सब कुछ दे दिया अंदर, हमारे भूतकाल के सारे अपराधों को माफ कर दिया, अब इनसे बड़ा क्षमाधारी कौन है, अपने परमात्मा से बड़ा क्षमाधारी कौन है, यही दया का सागर, तू प्यार का सागर है, नहीं वो गीता था है। मदुरै गए तो एक भाई ने गाया था, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, ये अंदर में बूंद क्या है, समुंदर है आनंद, पूरा दे देगा दरवाजा, पूरा आपका ही है अंदर, पूरी मालिकी आपकी है, किसी की और की नहीं, कि तेरे प्रताप से तेरी मेहरबानी हुई, तेरे बड़े उपकार
तेरी क्षमा में, तेरे तेरी कृपा में मैं ना रहा हूँ, तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय, भीख मांगने वाली पर्याय, ये चाहिए वो चाहिए, कहीं नहीं तो फिर मेरा उपयोग अंदर जाना चाहिए, यहाँ भिखारी किया क्या, बाहर से कुछ नहीं मांगा तो अंदर आया तो क्या बोला, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। बस ये ट्रिप में जाने से पहले अभी दो दिन बचे हैं, दो दिन कहाँ, एक ही दिन लास्ट है, आज लास्ट है फाइनल एग्जाम, अभी आज लास्ट एग्जाम, अगर आज शाम तक या रात भर जाऊँगा कैसा भी करके, लेकिन दर्शन हो जाए ना तो बस कुछ नहीं चाहिए, बेड़ा पार नहीं, गंगा सागर पार हो गया, ये समुद्र में डुबकी लगा के आ गए, समझ ऐसे वापिस जाने में शर्म आती है, कितनी यात्रा करेंगे, हर वक्त वापिस, हर वक्त वापिस, अभी आज लास्ट 24 कलाक है, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए ना तो अच्छा, ये मेरा उपयोग बाहर जाता क्यों है, शर्म क्यों नहीं आती मेरे क्या, और अपने को थप्पड़ मारता है, अंदर में तो बहुत मारता है जीव, अपने आप बहुत दुखी होता है कि यहाँ आकर के भी ये 6-7 दिन बेकार चले गए, बहुत दुखी दुखी तो बहुत होता है, ये क्या किया, भीख मंगा बना किसकी भीख मांगी, परमात्मा होकर के सम्यक दर्शन की भीख मांगी, कि मेरा उपयोग है ना बाहर नहीं रहे, अंदर लग जाए आत्मा में, ये पर्याय झुक गई, पर्याय झुकने में क्या करना पड़ता है, मांगने में ऐसा झुकना पड़ता है, और नहीं मिलता है तो दुखी दुखी हो जाते हैं, मांगने से दुख मिलता है, ऐसा हो जाता है, स्वयं बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इच्छा की सम्यक दर्शन और नहीं हुआ, उपयोग अंदर जावे ऐसी इच्छा की और अंदर नहीं गया तो क्या होता है, आकुल व्याकुल परेशान, टेंशन टेंशन, बीपी बढ़ जाता है क्या, रोनी सूरत हो जाती है, सदगुरु के सामने मुंह दिखाने में शर्म आती है, यहाँ आकर के भी कुछ नहीं किया, अब वहाँ उधर लगता है, जब यहाँ आकर के कुछ नहीं किया तो वहाँ तो फिर खलास मेरी मौत ही समझो, वहाँ तो भी बिजनेस है, घर में है 50,000, फिर ऊपर से टीवी, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल फोन, नहीं जाना है तो भी फंस जाओ, डर अभी से डर लगता है, तो बोलते हैं अभी टिकट कैंसिल करा के लाओ, जाना नहीं है पूरा काम करके जाना है, लेकिन नहीं वो टाइम फिक्स है, आगे बढ़ना नहीं है, पूरे पुण्य अभी नहीं खत्म करना है, थोड़ा बाकी रखना है भविष्य के लिए, क्या तो झुकती हुई पर्याय, सम्यक दर्शन की भीख मांगने वाली पर्याय, कहीं नहीं मांगा तो यहाँ मांगा, कि नहीं नहीं तेरे तेरे पे नजर जाते ही बहुत कमाल हो गया, तेरी कृपा से ये झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती है, क्या ऑटोमेटिक भिखारी को ना चले गए, कुछ नहीं चाहिए, लात मारो केवल ज्ञान को, ऐसा कितना पावर आया, मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, किसने कहा, मैं बंधा हुआ कब था, वो दृष्टि बदल गई, पहले तो मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से मुक्त होना है, अंदर देखे तो अंदर ना जन्म है ना मरण है, कुछ नहीं है, चार गति में से गति वहां भगवान आत्मा में नहीं है कुछ भी, अंदर देखे तो मैं तो मुक्त ही हूँ, क्या सोगानी जी ने बहुत तारीफ की है, ये मैंने सुन के रखा है तो कि मुक्ति तो बहुत मुश्किल से मिलती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को, शास्त्र पाठियों को नहीं मिलती है, बड़े बड़े त्यागियों को नहीं मिलती है, और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुक्ति के लिए, क्या सम्यक दर्शन के लिए भी दिमाग फट जाता है, सम्यक दर्शन भी आसानी से नहीं मिलता, ये मुक्ति शब्द को आपने इतना आसान कर दिया, सोगानी जी कहते हैं क्या इतना ईजी होता होगा मोक्ष, मुझे आश्चर्य हो रहा है, कौन बोल रहे हैं, सोगानी जी बोल रहे, मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये गुरु आपके वचनों ने जादू कर दिया, वैसा चमत्कार कर दिया है वाणी में, ऐसा जादू है क्या, मुझे नहीं लगता है, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं रही अब, क्या मारो धन्य थयो आज अवतार रहे, कि मर्या मने नहीं चाहिए कुछ भी मुझे, तो क्या हो गया, जो भीख मंगा बना था, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए, मैं हूं सब, मैं परिपूर्ण वर्तमान में हूं,
केवल ज्ञान की पर्याय मेरे पीछे पीछे दुम दबा के आएगी। क्या परमात्मा मुझे सामने से बोलेगा कि नहीं तुम चलो सिद्ध दशा और सिद्धालय पे विराजमान हो जाओ, नहीं आप मना करोगे तो नहीं चलेगा, पहले ही सोचना था। क्या कृपादेव ऐसा कहते हैं कि भैया देखो दस बगल सोच लेना, आप पहले एक बार आत्मा को देख लोगे ना और समय दर्शन हो जाएगा ना, फिर आप बोलोगे मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। घसीट के लेके जाऊंगा, ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। एक बार आत्मा का दर्शन किया तो फिर खलास, फिर आपको जाना ही पड़ेगा मोक्ष में। नहीं नहीं मेरे पिताजी स्वर्ग में, जरा मिल के आ जाओ, मेरी मम्मी अभी जानवर गति में है तो जरा मिल के आ जाओ, तो सब कुछ नहीं आओ, अब चलो सीधा। नहीं सबका उद्धार करना है कि नहीं, अभी उद्धार भी नहीं करना, टाइम नहीं है, चलो ऊपर चलो। अनंत सिद्ध भगवान तुझे बुला रहे हैं, आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, आज फाइनल है ना, आज क्या टुडे इज फाइनल डे, आज सिद्धों से अपनी बात शुद्ध आत्मा से मुलाकात होके रहेगी। आज आज इतना वेग हो, दरिया किनारे नहीं अंदर की दरिया में जाना है, ध्यान रखना है, दरिया किनारे कोई जाना नहीं बिना कुछ, ये दरिया में जाना है देखने के लिए। और कैसे देखोगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो क्या होगा नजर ये क्या होता है कि अरे द्रव्य सामान्य तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती, खड़ी करना नहीं पड़ता है, सहज माने ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है, मैं मांगना भूल जाती है। अब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था सब मिल गया। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? यकीन नहीं आता है, मैं अपने को भिखारी समझता था और नजर फिरते ही दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई पूरी। एक सेकंड मैंने मोक्ष मुक्ति चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा ही भगवान तू कब दर्शन देगा, दो घंटे से ध्यान लगा के बैठा हूं, कमर दुख रही है क्या? और प्रयत्न करते करते नजर पड़ गई तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, क्या क्या हो गया कि नजरिया बदल गया, मांगे वो भिखारी, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं कहे को मांगू भीख मांगू, वो भी किसकी अवस्था की, नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुझे देना है तो दे, मेरे में योग्यता है तो, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो तो बोलेगा भैया आप ही योग्य हो क्योंकि आप अपने को परमात्मा मानते हो, भिखारी नहीं मानते हो, मैं भिखारियों के पास नहीं जाती, मुक्ति की पर्याय क्या बोलती है, मैं तो कब से आपको ही ढूंढ रही थी, आई मैं आपके पास नहीं, लेकिन आप सम्य दर्शन कब होगा ऐसा देख रहे थे तो मैं वापिस चले गई, क्या आपको वर्माला लेके आई थी मुक्ति सुंदरी, फूलों की माला लेकर के, आनंद की, आनंद के फूलों की माला लेकर के आप ध्यान में बैठे थे और मैं आई मुक्ति माला लेकर के आनंद की, लेकिन मैंने देखा कि आप सम्य दर्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा, आप परमात्मा का ध्यान नहीं करते, आप किसका ध्यान करते थे, अवस्था, और फिर अभी वेदना आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं, इसका ध्यान करते थे तो फिर मैं आई, लेकिन मैं दूर से चले गए, आपको आपको नहीं है परमात्मा का ध्यान नहीं करते, उनको क्या देना, भिखारियों को क्या ध्यान, माला पहनाना, मुझे तो परमात्मा चाहिए था कि पलटी और मेरा एक दफे और नजर करूं क्या होता है, बाद में ऐसे पलट के देखी तो आप परमात्मा का ध्यान करते, नहीं चाहिए मुझे वेदन, नहीं चाहिए मुझे समय दर्शन, तो मैं दौड़ते दौड़ते आई और आपके गले में माला पहना दी, तो मुझे तो परमात्मा चाहिए। देखो किसको होता है मुक्ति, किसको मिलती है, और मैं पहना है तो आप मना करने के लिए भी उपयोग बाहर नहीं आया आपका, तो मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये तो बाद में बोला कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए,
अब मुझे माला का क्या प्रयोजन है? वो तो बाद में, उस टाइम में तो आपने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे सामने देखा भी नहीं, तो मुझे ऐसा ही परमात्मा चाहिए कि जो अपने पैरों पे खड़ा है उससे मैं शादी करूंगी। शादी किससे करूंगी? वो मैं उसके गले पर, वो किसी और के गले पड़ा हो तो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा परमात्मा। क्या पति परम कृपाणु अविनाशी सुख देना, मेरे को तो ऐसा परमात्मा चाहिए। मैं ऐसे नौकरी करता हूँ, भीख मांगता हूँ खुद ही उसके घर। मैं तो पहले पूछ लेती, वॉशिंग मशीन है आपके पास? किचन में काम वाले सर्वेंट है, अलग से बेडरूम है, टीवी कलर टीवी है, एसी है रूम में, एसी क्या मारुति कार है तो मैं आती हूँ। अभी आजकल वो सब देखते हैं, वो लड़का लड़की देखने नहीं आता है, लड़की लड़के को देख बराबर देख लेती है अच्छी तरह कि तुम कितने पानी में हो। क्या लड़की क्या, लड़का क्या देखेगा लड़की? अब उल्टा जमाना उल्टा हो गया, अब इतनी पढ़ी लिखी रहती है लड़की की, वो उसकी पूरी हजामत कर लेती है, वो फर्स्ट मीटिंग में ही पूरा पानी उतार देती है। बोलो क्या है यह सब? ये यहाँ पर ये बात है कि उसको परमात्मा चाहिए, भीख मंगा भिखारी नहीं चाहिए उसको। तो यहाँ सोगाणी जी ने क्या लिखा है, हरे द्रव्य सामान्य तेरे प्रताप से झुकती हुई पर्याय भी सहज खड़ी हो जाती है। भीख मांगने वाली पर्याय है उसमें भिखारी को ना चले जाता है और उसको खड़ा नहीं रखना पड़ता है, वो अपने आप खड़ी हो जाती है। अनादि का बोझा प्रतीक्षण हटता जाता है। कितना बोझा था, ये करूं वो करूं क्या करूं, सुखी होने के लिए मैं क्या करूं, कितने फाइल कितनी बना कर रखी थी, ये करना है वो करना है ऐसा करना है ये नहीं करना है, ये करूँगा तो दुखी हो जाऊँगा, ये नहीं करूँगा तो दुखी हो जाऊँगा, करूँ नहीं करूँ की कितनी बड़ी फाइल थी, कितना बोझा था। आपके दर्शन हुए तो अनादि का जो बोझा था वो तत्क्षण बोझा ही गया। क्या करना है, क्या करना, क्या हो करना, धरना रहा क्या हो? तो जो हो रहा है फिल्म देखो जाना, और क्या करते तो भाव ही गया, एक भी परिणाम को आगे पीछे नहीं करना है, एक भी रजकण को आगे पीछे नहीं करना है, कर सकता नहीं। सूखे घास के किनके के दो टुकड़े करने की ताकत मेरे में, परमात्मा को देखने के बाद करने को क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अनादि का बोझा प्रतीक्षण हर मोमेंट हटता जाता है, पूर्वों की फाइल के कारण करूं नहीं करूं ऐसा उड़े जाते हैं, लेकिन हर वक्त इसके प्रताप से क्या होता है, बोझा नहीं, प्रतीक्षण बोझा हटते जाता है। देखो और क्या होता है, बोझा कम होते जाता है हर पल, और क्या होता है तेरे प्रताप से क्या होता है, और उत्तरोत्तर डे बाय डे पल बाय पल सुख की वृद्धि होनी होती जाती है। जानने देखने से जो सुख मिलता है वो सुख की वृद्धि डे बाय डे पल बाय पल वृद्धि होती जाती है, बोझा कम होते जाता है और आनंद की वृद्धि होते रहती है। धन्य है तेरा बोझ, मैं तेरे को भूल करके अपने आप को भूल करके हैरान हो गया था, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। एक ही गलती की थी मैं, अपने तेरे को भूल गया था, लेकिन तेरे पे नजर पड़ते ही तेरा स्वरूप ख्याल में आते ही क्या हो गया, ये सब फायदा हो गया, कर्तव्य भाव जीरो खत्म हो गया, अशांति डे बाय डे कम होते जा रही है, सुख की वृद्धि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, भिखारीपना जो था ना अवस्था में वो छूट गया और परमात्मा पद ताकत आ गई, पैरों में जान आ गई, जिंदगी जीने का एक मकसद मिला मेरे। धन्य है तेरा बोध, वाह, दृष्टि पड़ते ही समझ आते ही पूरा चेंज हो गया। वो गिनती करता था 10 पुरुष में, तो 10 मूर्खे जो थे गांव के लोग,
एक गांव से दूसरे गांव जाए, बीच में तालाब नदी आए, तैर के गए सामने। फिर बोले हम 10 जने थे, चेक कर लेंगे 10 जने है कि नहीं। उन्होंने चेक किया, सब लोग लाइन में खड़े रहो, मैं गिनती करता हूँ। तो अपने को गिनती नहीं किया, कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक कहाँ गया, अपन 10 थे, तुझे बराबर गिनती करना नहीं आता, तू लाइन में खड़े रहे, मैं गिनता हूँ। क्या किया उसने? भी वही धंधा किया। अरे सही है, तुम बोलता है सही है, नौ ही है वो भी, इसके उसका तो भाई था ना, मूर्ख ही था। क्या तुम दोनों मूर्ख के सरदार हो, गिनती करना नहीं आता है, चलो लाइन में खड़े रहो, मैं आपको बोलता हूँ। तीसरा है, तीसरे ने भी वही किया। हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं, जहाँ हम रहते हैं कोई अपने को जानता नहीं, सब मूर्ख के सरदार है। और इसमें से अगर एक सुलझा हुआ आदमी गया तो उसके तो बराबर धुलाई कर देते हैं, दीने नहीं रहते हैं क्या? तो उनके बीच में कैसे रहना? अज्ञानी बन करके रहना, भले ज्ञान हो गया लेकिन बताना नहीं कि मुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि नहीं तो हकाल देंगे कि हम मूर्खों के साथ में एक अच्छा आदमी कैसे आ गया है, हम पागलों के बीच में, उसको भी पागल कर देंगे, हमारे नाथ के नहीं हो, गेट आउट ऐसा बोलेंगे। इसीलिए अगर आत्मज्ञान हो जाए ना तो मेहरबानी करके आज, क्योंकि आज फाइनल है ना, शायद हो जाए किसी का, जो बताना नहीं किसी को कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, पागल बन करके रहना, नहीं तो धुलाई कर देंगे कि तेरे को हो गया मेरे को नहीं हुआ, तो मेरे को आप उनको जादू करते हो और मेरे को तो पक्षपात करते हो, मैं इतनी कल से भक्ति नहीं करूँगी, हाँ इतने पक्षपाती, उसको तो दे दिया, मेरे से पीछे थी, पीछे आए थे, जल्दी हो गया वो, मेरा टन गई, मेरे भी गालियाँ हो जाएंगी, इसलिए किसी को बताना नहीं, तुमसे तो मेरी लाज रखना, बोलना नहीं किसी को अगर हो गया है। क्या बोलते हैं? धन्य है तेरा बोध। वो 10 मूर्खों में सबने ऐसा किया, गलती क्या हो गई थी? 10 थे कि 9 थे? 10 ही थे। गलती क्या हुई थी? अपने को बुलाना था। और अगर फिर मालूम पड़ गया कि मैं तो ही इधर ही हूँ, यहाँ से गिनना है, हम 10 के 10 है, और बोध हुआ तो क्या हुआ? और रो रहे थे ना जो, एक हो गया अब क्या मुंह दिखाएंगे गांव में जाकर के, क्या बेचारा कितना अच्छा था लेकिन कौन क्या, कितने वो जो डूब गया सो, लेकिन नाम क्या, नाम कहाँ से ढूंढेंगे, सब यहाँ हाजिर थे, कान जी हर जी सब यहाँ थे, किसका देखो बेचारा डूब गया और रोने लगे, क्या आदमी मर जाते हैं तो रोते हैं, कान कान बोलते हैं मोकान, तो सब लोग रो रहे थे, तो आया उतने में एक आदमी कि भैया आप 10 के 10 कैसे रो रहे हो, 10 कहाँ है, एक तो डूब गया है, तो उसने देखा है तो 10 वाले लोग रो रहे, क्या हुआ है, बोले बात तो क्या है, हमारे में हम 10 जने थे, ऐसा आया तो एक डूब गया, उसको समझ में आ गया इन सबका सुख उसको दिला है, उसको समझ में आ गया, ये काम करो सब लाइन में खड़े हो, मैं गिनती करता हूँ बस, अभी ढूंढ के निकालता हूँ, ढूंढने का कहाँ था, था वो हाजिर ही था, ढूंढना का डूबा कहाँ था, वो बेकर के रो रहे थे, तो कौन मर गया था, नाम तो बोलो, किसका नाम बोलेंगे, देखो मैं टपली मारता हूँ नीचे बैठ जाना, जिसको टपली और जोर से बोलना है, दो टपली मारते गए इतने दर्द मिल गया कुछ क्या मिला, क्या था खोया ही कहाँ था, इतनी बात है, इसलिए कहते धन्य है तेरा वो, इतनी बात मैं मौजूद हूँ, प्रदेश से मैं मात्र चेतन और आनंद आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूँ, फिनिश। आज 24 घंटे में इतना काम करे तो परमात्मा मिल जाएंगे, क्या क्या करना है, लेसन होमवर्क, अभी डायरी पर पढ़ना नहीं, मेरे को भी मेरा होमवर्क करना नहीं, लेसन करने के बाद ही बात करना, बात नहीं करना मेरे साथ, डायरी नहीं पढ़ने वाला हूँ, इतना होमवर्क करके आना मेरे पास, हाँ
सेंटेंस ही बिल्कुल उम्र आज का फाइनल एग्जाम क्या मैं कौन हूं प्रदेश प्रदेश में मैं मात्र चेतन चेतन व आनंद आनंद की ओत प्रोत वस्तु हूं इतना काम करना खोजना नहीं है खोजने को नहीं बोला मैं हूं मैं तिमा दुनिया के मगज मारी जिंदगी सिर्फ देख लेना है हाजिर वस्तु को देखना है हाजिर वस्तु को देखना है मेरे पास तो कोई नहीं आना पूछने के लिए उम्र करने के बाद पूछना है तो और वेल वो से लोग उसका सर खा लेना मेरा सर नहीं खाना ये तो सोगानी जी के पास भेज दूंगा सोगानी जी कहाँ गए मालूम धन्य है तेरा बोध अब गुरुदेव का रेफरेंस देखो इस बात को गुरुदेव का रेफरेंस और दोबारा लेते हैं गुरुदेव के वचन को उन्होंने इधर रिपीट किया ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निदान प्रगट्यो क्या ज्ञान दशा में मतलब पहले अज्ञान दशा थी अंतर्दृष्टि की परमात्मा को देखा ज्ञानी बन गया और अंदर के निदान जो थे सुख शांति आनंद जो भी सब बाहर आए भिखारी में से करोड़पति नहीं बना कितना परमात्मा बन गया पहले भिखारी था अब क्या हो गया कितनी लॉटरी लगी 1 करोड़ की 10 करोड़ की कितनी लॉटरी लगी परमात्मा डायरेक्ट फाइनल अब इससे ज्यादा लॉटरी क्या चाहिए बोलो यहाँ लॉटरी की टिकट सबको दी गई है कौन सी टिकट है ये लॉटरी की कौन सी टिकट बोला हमने अभी सेंटेंस से बोला था प्रदेश से प्रदेश से मैं मात्र चेतन चेतन व आनंद आनंद से ओत प्रोत वस्तु हूँ ये लॉटरी की टिकट सबको दी गई अब नंबर किसका लगता है देखना है अगर नंबर लग गया तो करोड़ नहीं मिलेगा 10 करोड़ नहीं मिलेगा अभय नहीं मिलेगा क्या मिलेगा स्वर्ग स्वर्ग लोग पाताल लोग मध्य लोग नहीं मिलेगा इससे भी ऊंचा कौन है परमात्मा वो मिल जाए और आनंद आनंद हो जाए तो यहाँ गुरुदेव ये कहते हैं ज्ञानी ने ज्ञान स्वरूप निदान प्रगट्यो क्या पर्याय मां पर्याय मां ज्ञानी ने ज्या स्वरूप निदान प्रगट्यो त्या बहुत बड़ा चेंज आया पर्याय में द्रव्य में चेंज होने का कोई सवाल नहीं है परमात्मा तो जैसा पहले था वैसा है जब अपने स्वरूप को नहीं जानता था तब भी वो परमात्मा था अब जानता है तब भी परमात्मा अगर आगे जाकर के परमात्मा बन जाएगा सिद्धालय में जाएगा तब भी उसमें तो कोई चेंज नहीं है फिर चेंज किस में आया अवस्था में तो ज्ञानी को जब स्वरूप की दृष्टि हुई और अंदर की शांति बाहर आई तो क्या हुआ क्या पर्याय मां जुवानी आ जाए क्या कल डांस कर रहे थे क्या हुआ था ये क्या हुआ जुवानी आ जाए किसमें आया पर्याय परमात्मा को देखा तो पर्याय में जुवानी आ जाती ट्रांस करने लग जाते हैं बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं और बूढ़े दौड़ना जानते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं भाग नहीं सकते हैं ये ताकत किस में अकेले जुआने में अब भागने लग जाता है पैरों में जोर आ जाते हैं नाचने लग जाता है आनंद विभोर हो जाता है पर्याय में जुआने आ जाते हैं जीवन कभी भीख नहीं मांगता अगर हट्टा कट्टा सब प्रकार से बराबर और कोई भी यंग लड़का प्लीज 5 रुपया दो क्या बोलेगा लोग गरीब आदमी हो बूढ़ा आदमी हो चल बराबर नहीं चलता हाथ में लकड़ी हो पैर में कोट हो कुछ हो अंधा हो या औरत कोई हो
उसके हाथ में छोटा बच्चा हो, पहने के पहले बराबर दया आती है। ले कोई कोई जुवान आदमी हो वो मांगे तो क्या होता है, दया आती है कि गुस्सा आता है? गुस्सा आता है। अभी हाथ पैर बराबर है, काम कर सकता है, कम से कम कूली बन सकता है स्टेशन के ऊपर, ये मांगता की मांग एक रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जुवानी आ जाती है, मतलब क्या होता है, उसका मांगना मिट जाता है, अपना पौरुष बल जागृत होता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, खुद मेहनत करता है, मैं किसी का नहीं, मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद ही पालूंगा, किसी के सहारे की जुवान आदमी को जरूरत, बच्चों को जरूरत है, बूढ़ों को जरूरत है, लेकिन जुवान आदमी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी को जब स्वरूप का निदान प्रकट हुआ तब पर्याय में जुवानी आ जाए, शुभ था ऐसे निर्भयता आ गया है, डर निकल जाता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या आत्मा का दर्शन होने के बाद मेरा क्या होगा, खत्म, डर खत्म हमेशा के लिए। दूसरा क्या होता है, निसंगता आ जाती है, शंका नहीं होती है परमात्मा होगा कि नहीं होगा, तो दूसरा कुछ तो अनुभव नहीं हुआ है क्या, यही सम्यक दर्शन था, इतना ही बस, अपने पे डाउट आ जाता है। ये तो मुझे पहले से मालूम था कि मैं भगवान आत्मा शरीर से भिन्न हूं, अब देखा तो भी क्या, चेंज थोड़ा देखा, अलग थोड़ा देखा क्या, अब पहले मालूम था वही मालूम हुआ, फर्क क्या हुआ कि पहले जानते थे सिर्फ, अभी जानते हो और साथ में मानते हो, ये फर्क आया बहुत बड़ा, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि जैसा जाना था पहले बुद्धि में वैसा ही मानना हुआ, तो वो तो पहले जानता था, फर्क क्या हुआ क्या, इतना ही बस, मान्यता में तो बहुत बड़ा चेंज हुआ, कभी कभी डाउट आ जाता है इतनी बात बस, वो ज्ञान की निर्मलता नहीं होने के कारण, अनुभव तो हुआ है लेकिन ज्ञान की निर्मलता नहीं होने के कारण वो दूसरे सिम्टम्स जो है ना उसको पकड़ने में उसके आधार से नक्की करना पड़ता है। बाकी उसको आश्चर्य होता है, आश्चर्य क्या, उसको लगता है कि क्या पाया, क्या है, ऐसे बहुत कुछ पाया है, लेकिन यही समय दर्शन है डाउट हो जाता है। लेकिन जब ज्ञानी को स्वरूप निदान प्रकट होता है तब पर्याय में जुवानी आया कि भीख मंगा अपना निकल जाता है, सम्यक दर्शन चाहिए, ध्यान करना है, वो बात नहीं रहती है। देखो पर्याय में जुवानी आई मतलब क्या, और मैं ध्यान करूं, और मैं ध्यान करूं, खत्म, आना है तो आएगा, ध्यान करना, मैं नहीं पीछे भागूंगा। क्या जुवानी आ जाती है मतलब क्या, जैसे यंग आदमी को किसी की परवाह नहीं है, क्या मानता नहीं, ऐसे ज्ञानी कभी भी अपने स्वरूप का ध्यान करने को सामने से बैठते नहीं, कर्तव्य भाव से, क्या ये इम्पोर्टेंट चेंज है। सेकंड थर्ड में क्या फर्क है कि सेकंड के बाद तो मैस्मेरिज्म हो जाता है, यही चाहिए, बार बार देखो, बार बार देखो, और देख लिया पर जीवन नहीं आया थी, अब ध्यान करना है कि इच्छा ही नहीं हो रही है ध्यान में बैठने, ध्यान में बैठने की इच्छा नहीं हो, देखो टाइम देखो वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट करता हूँ मालूम है उसको, अंदर देखूंगा शांति मिलेगी मालूम है उसको, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी बैठने का नहीं हो रहा है, ये क्या है, पढ़ाई में जुवानी आ गई और डर नहीं लगता है कि मेरा क्या हो, तो फिर डर लगता था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज तो अभी तक हुआ नहीं, डर लगता था कहीं ऐसा ना हो तो वापिस चले जाओ, यहाँ से गिर जाऊं, डर लगता है, अभी निसंगता आ गई, क्या ये निर्भयता आ गई, और निसंगता माने क्या, कैसी निसंगता होती है मालूम, आत्मा का अनुभव कि तीर्थंकर भगवान आकर के उसको बोले कि ऐसा थोड़ा आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव में तो ऐसा होता है ना वैसा होता है ना, तेरे सफेद बाल काले हो जाते हैं क्या, और बुढ़ा जो यहाँ करतली पड़ी है ना सब अच्छा रूपाड़ा हो जाता है, और शरीर में रोग है ना, कमर दुखती है ना, ये सब आत्मा का अनुभव होता है तो कुछ रोग बोग सब मिट जाते हैं,
तुझे क्यों ऐसा हुआ है, जा तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, काय तू परीक्षा लेते हो, मुझे मालूम है कि तुझे मालूम है क्या, परमात्मा को बोल देगा जो तने मन खबर से जो मने खबर से क्या, वो मानेगा नहीं, उसको शंका शंका नहीं रहती अपने आप से, कोई भी कुछ भी बोले मुझे मालूम है, मैंने उसका स्वाद चखा है, मुझे आनंद की अनुभूति हुई है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं आपकी जान में फंसने वाला ये निशंका है, कोई कुछ भी बोले मुझे हुआ है मेरा, भले मुझे प्रोपेगेंडा नहीं करना है, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ऐसे गुरुदेव के वचन है कि ज्ञानी ने ज्ञान स्वरूप निदान प्रगट्यो त्या परेमा जुवानी आवी जाए छे, निर्भयता आवी जाए छे, निसंता आवी जाए छे। वहाँ पर जब पहले वाली बात में वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है, इवन उसके गुरु आकर ये बात कहते हैं, अब ये दोनों में चीज गुरु पर श्रद्धा और आत्मा पर श्रद्धा दोनों में सेम, तो ये कॉन्फिडेंस उसको आत्मा को देखने के बाद yes. जो अनुभव आ तो इमीडिएट आ जाता है ना, इमीडिएट ये तो इमीडिएट आता है, इमेज आता है तभी तो ये बात, और एक तो ये कॉन्फिडेंस, दूसरी बात मैंने बताई निर्भयता की बात, डर डर जो मेरा क्या होगा, अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम चले जा रहा है जल्दी जल्दी करूं, ऐसा डर जो लगता है वो ले जाता है। तीसरा एक बात बताई उन्होंने, पर्याय में जुबानी आ जाती है, जुबान कभी मांगता नहीं इस प्रकार से, ये भी ध्यान ध्यान करना है, ध्यान करना है, आत्मा का दर्शन करना है, बात नहीं रहती है, ध्यान करने को बैठता नहीं, ध्यान हो जाता है वो अलग बात, ये जाप चला करके कर्तव्य भाव से ध्यान करने में जाता नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात, तीन पॉइंट है ज्ञानी के, तीन पॉइंट यहाँ बताए, थर्ड संकेत हो गया तो क्या होता है, ये होता है ज्ञानी ने ज्ञान स्वरूप निदान प्राप्त क्यों, क्या परेमा जुवानी आवी जाए छे, निर्भयता आ जाए छे, डर निकल जाता है, और तीसरा निसंकता आ जाती है, शंका नहीं रहती अपने आप के ऊपर। देखा है अंश में, देखा तो क्या हो, तो ज्ञान हुआ है, माना कहाँ है, जानना और मानने में फर्क है, जानने और मानने में कितना फर्क है, तो भी मैं काय को दुखी होते हो, सर पे पत्रा क्यों मारते हो, लेकिन माना नहीं है तो सर पे पत्रा मारता है, अभी भी कुछ चाहिए, अगर परमात्मा को देखा है कि परमात्मा मानता है तो ध्यान करूं ध्यान करूं काय को करता है, इसका मतलब क्या, माना नहीं, जाना है माना नहीं, सेकंड में थर्ड में ये फर्क, सेकंड स्टेज के अंदर ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, अज्ञानी है, क्यों, श्रद्धा बदली नहीं है, माना नहीं है, जाना है माना नहीं है, थर्ड में क्या होता है, जैसा सेकंड में जाना वैसा ही थर्ड में जानना होता है, लेकिन साथ में क्या ऐड हो गया है, माना है, आया समझ में डिफरेंस क्या है, और उसके और तीन पॉइंट बताया, जुवानी आ जाए छे, निर्भयता आ जाए छे, निसंगता आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, और आगे क्या होता है, आत्मा का दर्शन होता है तब क्षण क्षण अबंध स्वरूप प्रकट तत्व जाए से, एकदम प्रकट नहीं होता है, एकदम प्रकट नहीं होता, श्रद्धा में तो पूरा देख लिया है कि मैं परमात्मा, फिर क्षण क्षण अबंध स्वरूप प्रकट तत्व जाए से, ये किसमें, क्लैरिटी के अंदर, ज्ञान में, निर्मलता में, कि अनुभव तो हो गया ये सब सारे गुण प्रकट हो गए, लेकिन ऐसे हुआ है ऐसा ज्ञान ने बराबर जाना नहीं है, अब क्या होता है, डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, श्रद्धा तो 100% हो गई लेकिन ज्ञान 100% नहीं था, इसलिए क्या होता है, धीरे 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 प्रतिपल उसका श्रद्धा का परिणाम चालू हो जाता है, वो श्रद्धा क्या करती है, श्रद्धा और ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, श्रद्धा होने के बाद ज्ञान अधूरा है तो सबसे पहले वो अपने संबंध की क्लियरिटी हो जाती है, केवल ज्ञान तो बाद में होगा, केवल ज्ञान में तो सारी दुनिया दिखेगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेगा, ज्ञान की निर्मलता का, पहले अपने संबंध,
तो यहाँ से शुरू करेगा, जो श्रद्धा हुई है ना, उस श्रद्धा के वर्ता से ज्ञान अंतर्मुखी होकर के अपनी जो अंदर की जो उलझन है, जो ज्ञान की कमी के कारण है या निर्मलता नहीं है इसके कारण, वो अंदर में जो उलझन होती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किधर हूँ, मेरी स्थिति क्या है, ऐसे ही वो श्रद्धा की परिणति के कारण बार 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 वहाँ ध्यान जाते जाते क्या होता है, उपयोग वहाँ जाते जाते क्या होता है, ज्ञान धीरे धीरे निर्मल होता है। तो क्षणे क्षणे अबंध स्वरूप परमात्मा स्वरूप ज्ञान में उसकी छवि बैठ जाती है, बैठती जाती है, आगे वो धूल लगी है ना वो निकल जाती है। क्लियरिटी सहज ज्ञान कैसे, सहज ज्ञान से वैकुंठ ध्यान करना, ऐसे सहज भी ध्यान हो जाए ऑटोमेटिक, अलग से बैठा नहीं था लेकिन अपने आप ध्यान चले गया, उपयोग बाहर था, उसने कोई ऐसा मन में भी नहीं सोचा कि मेरा उपयोग अंदर चले जा रहा हूँ, मैं ध्यान करूँ, लेकिन अचानक क्या हुआ नहीं मालूम, वो बाहर से उपयोग रहा नहीं, बाहर लक्ष्य रहा नहीं, और अपने आप इच्छा हो गई, चलना इससे टाइम क्यों वेस्ट करूँ, चलना बैठूँ नहीं, बैठते ही काम शुरू हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये अचानक नो प्री प्लानिंग, ध्यान करने की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, अपने आप इसको बोलते हैं सहज। ये सब साधना करने वाले को ये सब अनुभव में आता है, साधना नहीं किए यहाँ तक उसको प्रॉब्लम है। अब ज्ञान की क्लैरिटी की बात करना, क्षणे क्षणे अबंध स्वरूप प्रगट थकनु जाए छे। जब ऐसा होता है तब वर्तमान में पुण्य भाव थाय अने एनु अनुकूल फल मने मळे एवी वांछा आवा आत्मज्ञानी ने क्यारे पण होती। इसलिए जब आप मुझे बोलते हो कि जब संग डाव और नहीं आते हो तो मेरा पाप का उदय ऐसा बोलते हो, और पाप का उदय मिटाने के लिए तीव्र भावना करो ताकि पुण्य की उदय हो जाए, पाप का उदय पलट जाए, मुझे ऐसा भिखारी होना पसंद नहीं। ये बात कह दी क्या, सहज में पुण्य का उदय होगा और संगत आना होगा और गुरु के दर्शन मिलने वाले होंगे तो ओके, तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन सामने से चला करके मुझे गुरु का सानिध्य चाहिए, मुझे उनके दर्शन चाहिए, और ये सब बेकार लोग हैं, इनके साथ में काहे को फंसा हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, भाग जाना है, ये बात मेरे पास नहीं होगी। मैं पाप के उदय से बचना नहीं चाहता, पुण्य को उदय को मैं लाना नहीं चाहता, मैं जहाँ हूँ वहाँ बाहर में अंश मात्र भी मैं चेंजेस करना नहीं चाहता। क्यों, मुझे परमात्मा मिल गया, मारो धन्य थयो हाल अवतार के मड़िया मने, मुझे भिखारी पुना करना नहीं आता है क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा था और परमात्मा रहूँ। हो गई बात, अब कहाँ चेंज करना है, अब तो जो भी नाटक देख लेगा, बाहर में तो फिल्म आती है, पाप और पुण्य के उड़े हैं, पल पल में प्रसंग बनते रहते हैं, लेकिन भिखारी पुना नहीं, पुण्य के फल की वांछा ज्ञानी को नहीं होती। अभी 10-15 मिनट है, देखेंगे और आगे, बहुत बढ़िया मैटर है। अपने स्टेटमेंट और, कीचड़ में घसने पर भय वृद्धि पहुंचता जाता है, समझो हम जंगल में कहीं दलदल में फंस गए, आपने मालूम नहीं है कितनी गहराई है अंदर खड्डे, पैर फिसलते ही जैसा थोड़ा प्रयत्न करते ही और अंदर चला जाता है, अब क्या लगता है, अब तो लगता है कुछ भाग पे मर, भाग पे मरोगे तो न हो जाए ऐसा, कहीं ना हो जाए, थोड़ा पैर और अंदर गए ऐसा पूरा चले जाए, मुंडी भी चले जाए अंदर, क्या होगा ये सब जाएगा तो, दलदल में पूरा अंदर गया तो क्या होता है, खत्म हो मामला, डर लग जाता है। कीचड़ में घसने पर भय वृद्धि पाता है, थोड़ा हाथ पैर मारा और ज्यादा खड्डे में गए, पहले यहाँ तक था समझो, थोड़ा बचने की कोशिश की तो यहाँ तक घुस गया अंदर, अब क्या होगा, भयवान हो जाता है, भय वृद्धि पाता। परंतु इसका ऑपोजिट है, चैतन्य में घसने पर, इसमें घुसने पर क्या होता है, निर्भयता वृद्धि पाती है, देखिए डर निकल जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं नहीं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,
मेरा क्या होगा मुझे चिंता नहीं हो रही, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे अब कुछ मेरा बाल भी बांका नहीं हो। जितना अंदर जाते हो ना इतना डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है, जितनी बार जाते हो ना इतना डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। दुनिया कुछ भी गए मुझे परवाह नहीं है किसी, मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे पास। अब मैं वापिस जाने वाला मैदान में आ गया हूँ, अब मारू या मरू नहीं, मारू ही मारू है। अब क्या है, पहले क्या था, जब गया था एंटर किया था तो कब क्या था, मारू या मरू या फिर मैं मारूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हुआ, कौन सा है पावर, मरने का तो सवाल ही नहीं है, मैं अदर उम्र कैसे मरूंगा। अब मरेगा कौन, जितने पूर्व में कर्म भले बांधे हैं अनंत भले ही कौन, मैं उनको सबको खत्म कर दूंगा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सबसे बड़े दर्शनों को मार दिया है क्या, अब चूहे हैं बहुत सारे अनंत भवों के चक्कर, लेकिन एक को भी जिंदा नहीं रखूंगा। अब मारू या मरू नहीं, अब एक ही सेंटेंस है क्या, मारो मारो। तो क्या होता है, डर निकल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर के मेरे को घेरा डाल करके चक्रव्यूह में फंसा दे, वापिस मुझे संसारी बना दे, क्या दृष्टि, इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते। मेरा प्रभु मेरे साथ है, भले ही मैं अकेला हूँ लेकिन अनंत कर्मों के रजकोणों के ऊपर मैं भारी पड़ूंगा। हाँ इतना जरूर देर है मेरे परमात्मा बनने, अंधेर नहीं है। क्या हो सकता है कि एक भाव में ना हो, एक भाव तरह ना बनो, दो चार भाव बने या मैक्सिमम 15 भाव बने मोक्ष जाने में, लेकिन जीत किसकी है। हो सकता है जीत हो या हार हो, लेकिन नहीं अब हार का तो क्वेश्चन ही नहीं, क्या नो क्वेश्चन ऑफ हार, अब तो जीत ही जीत दी। केवल ज्ञान धंधो मैंने अहिया थी देखा है, शू सौभाग्य भाई कहता तो मरण पथारी हो, अंतिम समय आया गया तो सुपाड़ियों ने भेजा था अम्बालाल भाई को कि जाओ भैया आप उनकी सेवा में रहो, कितना दिन रहेंगे, उन ज्योतिष ज्ञान तो जानते थे, दिन तो आ गए थे, सौभाग्य भाई कब जाए क्या मालूम, कब विकेट गिरे, अम्बालाल भाई को भेजा, अम्बालाल भाई उनको आत्मसिद्धि बोलने लगे जागृति के लिए, ए टिबेट क्या बोले सुभाग भाई, इतनी आत्मसिद्धि प्रोपागेंडा की पढ़ रहा हूँ आपको, जरा जागृति आना मुझे, जागृति क्या बोलते हो, टिबेट बनकर बोबड़ी दे रही भाई काय के बात है, आपको तो बहुत पसंद है आत्मसिद्धि, प्रोपागेंडा ने लिखी है, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे केवल ज्ञान की दगा दिख रही है, क्या चुप बैठ, चुप करा दिया हमने, पावर क्या है, क्या पावर है, मुझे केवल ज्ञान की धजा दिखती है। चौथे पुनर्स्थान में है अभी, मरने की घड़ी आई है, मरण पथारी पे, सेम ऐसा किस्सा हमारे इधर हुआ, हॉस्पिटल का लास्ट डे, 6 बजे के बाद जो तबीयत बिगड़ी, अब कोई चांसेस नहीं थे, यहाँ से खून का चढ़ाया था, एक बॉटल 3 घंटे में लगती थी, लेकिन खून इतना बह रहा था कि यहाँ भी और यहाँ भी 3 बॉटल साथ में चढ़ानी पड़ी, और इतना फास्ट खून बहता था बाहर कि एक बॉटल को 3 घंटा लगता था, इसकी जगह पे 3 बॉटल को 1 घंटा लगता था खाली होने, इतना फास्ट बॉडी लेती थी। भागम दौड़ी करके 20-25 बॉटल तो हमने कवर कर लिया, सुबह तक रहे जिंदा तो जरूरत पड़ेगी, 20-25 बॉटल जिंदा बचने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन हम ये चाहते थे कि जितना ज़्यादा फाइट करें ना जागरूक अवस्था में, जितना लंबा समय खींचे ना उतनी उनकी साधना अंदर की अच्छी होगी। साधना के लिए जिंदा रखना है इसीलिए बोतल चढ़ाने का था, बाकी बचने का तो कोई चांस ही नहीं था, उनकी बोतल तो 20-25 मंगा कर रखा, 1 घंटे में 3 चाहिए तो रात भर निकालना है तो सुबह तक भी 20-25 बोतल तो चाहिए ही चाहिए, सब मंगा लिया, और मालूम तो पूरा पहले से 4 दिन पहले से दवा बंद की तो मालूम तो पड़ ही गया था, द एंड है। 6 बजे के बाद जो तबीयत बिगड़ करके जो 8 बजे ना तो मैं गया था, तो तुम फिक्र मत कर, हम सब तुम पहले जाओ तैयारी करके रखना, हम भी आ रहे हैं सब 20-25 साल पीछे,
कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, सब साथ में ही साधना करेंगे, चिंता मत करो, ऐसा बोला। और तू मैं रमा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा बोला कि मुझे प्लीज़ आप कुछ भी मत बोलो, मैं मेरे आत्मा में जाना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है अभी, आप कुछ भी मत बोलना मेरे से। अरे लास्ट वर्ड थे वो, इसके बाद बोले नहीं वो अंदर। ऐसे 8 बजे के बाद 9:30 बजे फर्स्ट अटैक आया कोमा का, 1.5 घंटे तक अंदर ही अंदर, न बात न चीज, होश में पूरे पूरे। 9:30 बजे अटैक आया, तब फर्स्ट स्टेज कोमा का आता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, कुछ थोड़ा बहुत अपना ऐसा सका तो मालूम पड़ता है, फिर रात को 10:30-11 बजे दूसरा अटैक आया, तब फिर अपने ऐसा सका तो मालूम नहीं पड़ता था। इसके बाद अटैक आया तो चांसेस कुल 10 मिनट गए, लेकिन इसके बाद भी आधे घंटे के बाद दूसरा अटैक आया, मतलब 5 मिनट भी नहीं, इसके बाद भी निकाला उन्होंने टाइम, डेट चेंज हो गई, ये सब नज़ारा आंखों के सामने सब देखा। ICU में हम लोग कितने 10-15 जने थे ऊपर खड़े हुए, ऐसा जाने नहीं थे एक को भी, लेकिन ये ऐसे प्रसंग में सबको जाने दिया, सब लोगों ने आंखों से देखा है। ऐसा होता है केवल ज्ञान का धंधा दिखता है, इतना पावर रहता है। ये बात इस पर से निकली कि कीचड़ में घटने पर तो भय वृद्धि होता है, लेकिन चैतन्य में घटने पर निर्भयता वृद्धि पहुंचती जाती है। मैं चैतन्य चैतन्य में ही चलता हूं, और खोखा जड़ जड़ में चलता है, विभाव विभाव में है, मुझ नित्य में मेरी पर्याय का और वेदन का भी प्रवेश, उपयोग कहाँ रखता है ज्ञानी पुरुष का, उपयोग कहाँ रहता है जब दृष्टि अंदर रहती है तो कहाँ रहता है, एक कोके पे तो नहीं रहती है, जड़ जड़ में मैं कोका मारो गोली, अंदर में जो विकल्प आते हैं मन में, वो विकल्प विकल्प में और मैं जानने वाला अलग, अरे जो पर्याय होती है शांति की उत्पन्न, वेदन की भर्ती आती है, वेदन भी मैं नहीं हूँ, मेरे से बाहर बाउंड्री के बाहर, वेदन वेदन में और मैं, वो चैतन्य पे दृष्टि रखने से कॉन्स्टेंट आनंद की भर्ती बढ़ते जाती है। मुझ नित्य में अनित्य मेरी पर्याय का प्रवेश भी नहीं है, मैं नित्य पर्याय, मेरी पर्याय अनित्य, मैं सत्य मेरा, मेरी पर है मेरी आ गई, मेरा मेरी असत्य, मैं नित्य, मुझ नित्य में मेरी पर है कभी प्रवेश नहीं तो अन्य की बात क्या। अरे परिणाम परिणमता है, और उसी समय सेम मोमेंट मैं अपरिणामी हूं। ये अनुभव में से निकली हुई बातें हैं, अनुभव करते करते लिखी, अनुभव करने के बाद परम पत्र लिखा होगा कि परिणाम परिणमता है, परिणाम 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 तो रुकने वाला कहाँ है, बढ़ती नहीं तो और नहीं तो बढ़ती, वो तो होने वाला है, चढ़ना उतरना तो पर्याय का स्वभाव है, ये तो होने वाला है, परिणाम परिणमता है, लेकिन उसी समय मैं अपरिणामी हूँ, बढ़ती हो या ओट हो मैं तो समुंदर हूँ, क्या बढ़ती और ओट तो अवस्था है, और मैं अवस्था से पार त्रिकाड़ी द्रव्य हूं, शाश्वत हूं, परिणाम परिणमता है, उसी समय मैं अपरिणमी हूं। अरे भगवान कारण परमात्मा अपने को बोलते हैं, महिमा के वचन, अरे भगवान कारण परमात्मा तेरे दर्शन होते ही विभाव की पीठ दिखने लगी है, मालूम पड़ता है राग द्वेष काम क्रोध मोह भागने लगे हैं, सामने नहीं आना चाहते, तो सामने आया तो जल जाते हैं, छुपने लग गए हैं, भाग गए कायर, तब तेरे दर्शन मात्र कृष्ण भगवान रथ में बैठे हैं, रथ चला रहे हैं और अधू धनाधन थोक के जा रहा है वाण कुमार सर, कायर लोगों सामने आते हैं, कोई आता सामने, सामने आने तो मौत निश्चित है, समझ सामने आया तो क्या होता है,
कि परमात्मा का रथ जा रहा है और इधर दृष्टि की एक तार लगी है अंदर, तीर के ऊपर तीर आ जाते हैं, सामने बेचारे कहाँ से आएंगे, विभाग भय ज्यादा, ये अकेला है, वो कितने बहुत सारे हैं, काम क्रोध मद मोह माया कितना 25 प्रकार के कसा है, इसमें अनंत अनुमंदी के चार गए, बाकी सब बाकी है अभी, लेकिन आराम बराबर कोई सामने आ गए तो सब भागने लगे, छुपने लगे, मेरे सामने आ जाएंगे मर जाएंगे, कचर निकल जाएगा पूरा, क्या तो तेरे दर्शन होते ही विभाव की पीठ दिखने लगती है, वो सामना करते ही नहीं है, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, तेरा यथार्थ बाण हुए बिना भूतकाल किया पूर्व में परिणाम आश्रित परिणामों का इतना तीव्र बंद कर चुका था, तेरा तो मुझे पता नहीं था, और मैं परिणाम के ऊपर दृष्टि थी, और फिर ये चाहिए नहीं वो चाहिए नहीं ऐसा नहीं नहीं वैसा नहीं नहीं, इतना हमने परिणाम खराब कर लिए और इतने कर्म बांध लिए थे और इतने तीव्र बंद कर लिए थे कि अब इतने सारे वो जमा हो गए कर्मों के बल कि उनकी अवधि खत्म होने के लिए अब उन सबको एक साथ मारने के लिए जल्दी से, तेरा दर्शन तो स्वाभाविक होना ही था क्योंकि तू नहीं मिलता तो इनको कैसे खत्म करूंगा, इतने पैदा हो गए थे, इतने बंधन हो गए अनंत काल में, अब उसको खत्म करने के लिए अनंत काल लगे क्योंकि अनंत काल में बंधे गए कर्म है, अगर एक एक करके मैं निकालूं एक के बाद एक कितना टाइम लगे अनंत,